छत पे? कौन सा छत पे? क्या कर रहे हो तुम छत पे? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैडम जी, मैं तो रैंक पुश कर रहा हूँ, बहुत सारा बंदा है। मैडम जी, मैं तो उतरूंगा ही नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है बंदों से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे मेरे पास ब्लू क्रिमिनल आ गया, मुझे मार रहा है, कवर दो ना मुझे। नहीं मैडम जी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। अभी यहाँ कितने सारे बंदे हैं, देख उनको आपस में फाइट करने दे, तू यहाँ से भाग जा। नहीं ठीक है मैडम जी, आप जो बोलोगे। मैडम के सामने बंदा है, नल्ले रूम। अरे सामने ब्लू क्रिमिनल है, कहाँ जा रहे? अरे 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 अरे, मैडम जी आप सलमान भाई का छोटा बहन है क्या, जो गाड़ी से उड़ा दोगी सबको? मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? अरे अरे, ये तो मुझे मार गए साले, तू मुझे मारेगा, रुक। अबे यार, एक ही गोली का बच्चा था, तुझे बोलता हूँ मेरे साथ रहने के लिए, नुबरा साला रहता भी नहीं है। लानत है तुम लोग पे, लानत। मैडम जी आप मेरे को डांट रही हो क्या? मैडम जी रुको, नल्ले मेरे मैडम जी को मारेगा। अबे इतना दूर से क्या ही हेडशॉट मारा तूने? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैडम जी आप रो रही हो क्या? मैडम जी मैं सच बताता हूँ, मेरा हेलमेट की कसम, मैंने कोई हैक पैक यूज नहीं किया है। मैडम जी नल्ले रुक, तू ही बता मेरे मैडम जी को, मैंने कोई हैक पैक यूज किया है कि नहीं? उसको कैसे पता चलेगा कि तूने हैक यूज किया है कि नहीं? गुड क्वेश्चन। मैडम जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिला लू, मेरा मतलब हिल कर लू क्या? प्यारी समझ गई। मैडम जब हंस कर रही है नल्ले, तो मेरा मैडम जी का हंसी भी नहीं देख सकता क्या? अरे देख के तू आराम से बोल। अरे Hey guys, welcome back to another videos. तो मेरे मामू लोग, आज तो मेरा मामू और एक बार तुम लोगों को हंसाने के लिए आ चुका है। तो तुम लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हो कि मामू रैंडम या फिर वॉल चैट के किसी लड़की के साथ वीडियो लाओ ना, तो लड़की मिलना कितना मुश्किल है वो आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन तुम्हारा मामू कभी हार नहीं मानता। तुम्हारा मामू लड़की के वेट करते करते 3-4 दिन लगा देता है, इसलिए इतना दिन लगता है वीडियो आने में तुम्हारा मामू का। और तुम्हारा मामू वेट करते करते देखा कि एक मिस कोमल लम की लड़की ने वॉल चैट पर रिक्वेस्ट सेंड किया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और देखते ही तुम्हारा मामू ने भी वहाँ पे मैसेज किया कि हेलो कोमल जी, मेरे को भी आपके ग्रुप में जाना है। और गाइस ऑल चैट पे कोमल को मैसेज सेंड करने के बाद मैं उसका मैसेज का वेट करता रहा, और आखिरकार उसका मैसेज आ गया कि हाँ। और उसको देखते हुए मैं एक सेकंड भी देरी ना करते हुए उसको मैंने मैसेज सेंड किया कि ऑल चैट पे रिक्वेस्ट भेजो ना। और गाइस मेरा मैसेज जाने से पहले कोमल ने मैसेज किया है कि ग्रुप बनाओ, और देखते ही मैं सीधा ग्रुप बनाने के लिए चला गया, और एक सेकंड भी देरी ना करते मैंने ऑल चैट पे फिर से भेज दिया रिक्वेस्ट, ताकि कोमल मेरे ग्रुप में आ जाए और उसके साथ मैं प्रैंक कर पाऊं। लेकिन कोमल के बदले यहाँ पे बहुत सारा बंदा आ गया, सिर्फ कोमल ही नहीं आया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कोमल को मैंने फिर से वॉइस चैट पे मैसेज किया कि चुतिया समझा मेरे को कि कोमल जी ग्रुप में आओ ना। लेकिन गाइस यहाँ पे मैं कोमल को गलती से टीम पे मैसेज कर दिया, और मैं यहाँ पे कॉपी करके फिर से कोमल को वॉल चैट पे मैसेज सेंड करने के लिए गया, तो देख रहा हूँ कोमल को पहले से ही कोई बंदा मैसेज सेंड करके बैठा है कि कोमल ग्रुप में आओ ना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मतलब कोमल का इतना हाई डिमांड था वॉल चैट पे कि सब बंदे चाहता था कि कोमल को अपना ग्रुप में बुलाए और कोमल के साथ खेले। क्या रे भीख मंगया, हलवा है क्या? ले। और गाइस ऐसे करते करते थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ कि क्वीन परी नाम की एक बंदी ने ऑल चैट पे रिक्वेस्ट सेंड किया है, और देखते ही मैं सीधा घुस गया उसके ग्रुप में, और आगे क्या हुआ खुद देखो। ओ भाई सब क्वीन परी, हेलो क्वीन परी जी, मैं आ गया, माइक ऑन करो ना। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। और गाइस मेरे को यहाँ पे लड़की ने किक कर दिया, पता नहीं सब मेरे को क्यों किक कर देता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन गाइस थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा एक जानू नाम की लड़की ने ऑल चैट पे रिक्वेस्ट सेंड किया है, और देखते ही मैं सीधा घुस गया उसके ग्रुप में।
हेलो ओ भाई साहब जानू जी, मैं पहले ही बता तो मेरे को किक मत करना प्लीज मैडम जी प्लीज। हेलो हेलो माइक ऑन कीजिए ना। अरे ग्रुप में आते ही कौन इतना शोर मचाता है, अजीब लड़का है। हाँ मैडम जी मैं अजीब हूँ मैडम जी, क्या करूँ सब मेरे को ग्रुप में घुसते ही किक कर देता है, इसलिए मैडम जी मैं जिसके भी ग्रुप में जाता हूँ पहले ही बोल देता हूँ कि मेरे को किक मत करना मैडम जी। क्या ही बोलूँ दुख की बात, मेरे साथ कोई नहीं खेलता, मैं डूब रहा हूँ 25 लेवल का बंदा हूँ इसलिए। तो तुम अपने दोस्त लोगों के साथ खेल सकते हो ना, उन लोगों के साथ खेलो। गुड क्वेश्चन। मैडम जी आप भी मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या मैडम जी, हम जैसे गरीब डूबरों का दोस्त नहीं होता मैडम जी, क्या ही बोलूं, इसलिए तो मैं हर किसी के ग्रुप में चला जाता हूँ वॉइस चैट पे और बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ एक गेम खेलोगे क्या, और बदले में बोलता है डूबरा तू निकल जा नहीं तो लात मार के निकल दूंगा मैडम जी, ऐसा ऐसा बोलता है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। अरे अरे रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो, मत रो ना, ऐसे बात करो नॉर्मल। मैडम जी रो ना तो क्या करूँ, आप ही बोलो ना मैडम जी, मेरे साथ तो कोई नहीं खेलता मैडम जी। मैडम जी एक रैंक मैच खेलोगे क्या आप मेरे साथ? आई एम सॉरी बाबू। देखो अभी तो रैंक मैच नहीं खेल सकते, पर क्लासिक मैच खेल सकते, चलो एक मैच खेल लेते क्लासिक। अरे नहीं 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 मैडम जी क्लासिक मत लगाइए मैडम जी प्लीज, मेरे साथ ये एक रैंक मैच खेल लीजिए मैडम जी प्लीज, ये एक ही सिर्फ रैंक मैच खेल लीजिए ना। अरे नहीं 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 रैंक नहीं खेलूंगी, अभी रैंक खेलने का मूड नहीं है, क्लासिक खेलना है तो खेलो या फिर निकल जाओ। पहली टिकट निकाल और भाग उधर। हाँ हाँ मैडम जी मैं निकल जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा, बोलने की जरूरत नहीं है मैडम जी, आप भी सबकी तरह मेरे को निकल दे रही हो, मुझे पता है कि मेरा लेवल कम है, मैं डूब हूँ इसलिए आप लोग मेरे साथ रैंक नहीं खेलना चाहती, लेकिन मैडम जी मैं चुप चुप के आपका रैंक पुश कर दूंगा मैडम जी, एक मैच तो खेल लो मेरे साथ मैडम जी प्लीज, आज मेरा जन्मदिन है मैडम जी, कोई नहीं खेल रहा आज मेरा जन्मदिन के दिन भी आप मेरे को निराश करोगे क्या? आज तुम्हारा बर्थडे नहीं। बर्थडे के दिन कौन ऐसा रहता है, चलो खेल लेती हूँ एक मैच तुम्हारे साथ। ये फंस गया सी है। मैडम जी धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, मेरे को विश तो कर दो हैप्पी बर्थडे बोल के मैडम जी प्लीज। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी सॉरी, हैप्पी बर्थडे। अरे मैडम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको। अरे मैडम जी डुओ लगा दीजिए ना मैडम जी प्लीज, अगर माइनस भी होगा ना तो ज्यादा माइनस नहीं होता है डुओ में। धन्यवाद मैडम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप कितनी अच्छी हो। गजब तो भी आ जाती है। अच्छा ठीक है चलो स्टार्ट करती हूँ। हाँ मैडम जी करिए। A few moments later. अरे देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार। अरे गाना बंद करो, देखो ब्लू क्रिमिनल आया है जल्दी। अरे मैडम जी ये पीला जोकर भाई कैसे आ गया मैडम जी, अरे पीला जोकर भाई रुको रुको, इसके मैडम जी पैर में गिर जाते हैं भाई, मेरे को मत मारना भाई प्लीज, मैं रैंक पुश कर रहा हूँ प्लीज भाई। अरे उसको पैरों पे क्यों गिर रहे हो तुम, वो थोड़ी ना तुम्हारा बात सुन पा रहा है। अरे मैडम जी मैं तो कोई बंदा अगर देखता हूँ प्रो प्रो तो मैं उसके सामने ऐसे उठक बैठक करने लगता हूँ, मैडम जी नल्ले हंस रहा है, मैडम जी आपके ऊपर हंसेगा ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, हाँ मेरे ऊपर हंसेगा तो चलेगा लेकिन अगर आप पे हंसेगा ना तो मैं उसका पिछवाड़ा मार दूंगा मैडम जी। अरे ये लोग तो हंसेगा ही ना, ये बंदे बहुत प्रेयर है, सबके पास नहीं होता। अच्छा अच्छा ऐसा क्या मैडम जी, मैडम जी आपके पास नहीं है क्या ऐसा वैसा बंडल? अरे मेरे पास भी रेयर बंडल है पर ये सब नहीं है, क्रिमिनल नहीं है। अच्छा मैडम जी, मैडम जी आप कब से खेल रही हो फ्री फायर? मैं तो सीजन 7 से खेलती हूँ। क्या बात है सर, चलो मिल पे चलते, अच्छा लूट मिलेगा। अरे मैडम जी आप सीजन 7 से खेलती हो क्या, अरे दादा रे तब तो आप मैडम जी पीरो पिलियर हो पीरो। अरे अरे हमारे साथ और 4 बंदे आ रहे हैं। अच्छा? तुम थोड़ा संभाल के खेलना, मैं 4 को मार दूंगी। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? अरे मैडम जी यहाँ तो बहुत बंदे आ रहा है मैडम जी, मैं तो छत पे उतर गया, यहाँ से मैं उतरूंगा ही नहीं मैडम जी, मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छत पे, कौन सा छत पे, क्या कर रहे हो तुम छत पे? नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मैडम जी मैं तो रैंक पुश कर रहा हूँ, बहुत सारा बंदा है मैडम जी, मैं तो उतरूंगा ही नहीं, मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है बंदों से।
मैडम जी नीला जोकर भाया है यहाँ पे, मैडम जी प्लीज आप भी भाग जाओ नहीं तो ये पिछवाड़ा मार के खोला खोला कर देगा। क्या ब्लू क्रिमिनल आया है क्या, किधर है? मेरे पास मैडम जी, मेरे पास। अरे मेरे पास ब्लू क्रिमिनल आ गया, मुझे मार है, कमर दो ना मुझे। नहीं मैडम जी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। साला नुबरा चुप चुप के खेलता है, तू कवर नहीं देता है, तू जिंदगी में गेम नहीं सीख पाएगा। मैडम जी आप रो रही हो क्या? मैडम जी नल्ले मेरे मैडम जी को मारा तूने, रूक मेरा, मैडम जी के आंखों से आंसू आया, आज मिल पे सुनामी आ जाएगा देखना मैडम जी आज आप। अबे साले तूने मुझे कवर क्यों नहीं दिया? मैडम जी आपने ही तो बोला कि बेटा तू कवर में रहना, मैं सबको मार दूंगा, इसलिए मैं मैडम जी छत के ऊपर उतर गया। मैडम जी बंदा है सामने। अरे तू भाग जा यहाँ से, मेरी बात सुन। मैडम जी भाग के कहाँ जाऊँ, मेरे को लगता है ये नल्ले लोग मेरे को जाने नहीं देगा। मैडम जी मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा है, लगता है ये लोग मेरे को मार ही देगा। बस हवा निकल गई। अरे साले सामने भूख ही मिला ले, तू क्यों फायर कर रहा है? मैडम जी इस नल्ले ने आपको मारा था, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मेरा मैडम जी को रूल आएगा। नल्ले रुक। अरे तुम पागल हो क्या, ये पुराना प्लेयर है, तुम इसको नहीं मार पाओगे, मैंने कहा ना तुमको जाने के लिए इधर से। जानू तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा मौत का बदला लेके ही रहूंगा आज। क्या बोला तूने? जानू किसको बोला अभी साले? क्यों मैडम जी आपका नाम जानू लिखा हुआ है तो जानू नहीं बोलू क्या? अभी यहाँ कितने सारे बंदे हैं, देख उनको आपस में फाइट करने दे, तू यहाँ से भाग जा। नहीं ठीक है मैडम जी आप जो बोलोगे। मैडम जी सामने बंदा है, नल्ले रुक। अरे सामने ब्लू से मिलने में कहाँ जा रहे? अरे 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 रुको ना मैडम जी, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने आपको रुला दिया। हाँ मैडम जी मैंने नीला जोकर भाई का खोपड़ी उड़ा दिया, नल्ले मेरे मैडम जी को रुलाएगा तू। अरे तुमने क्रिमिनल को कैसे मारा? मैडम जी सच्चाई की बात बताओ तो मेरे को खुद ही पता नहीं कि मैंने उसको कैसे नॉक कर दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। तभी मैं सोचूं तुमने कैसे मारा उसको। जलवा है हमारा। हाँ मैडम जी वही तो, वो अचानक से मेरे मुंह के सामने आ गया ना तो मैं डर के मारे गोली चलाने लगा इधर उधर, तो उसका खोपड़ी में लग गया। मैडम जी क्या ही बोलूं। अरे ऐसे मत करो, तो उसका बंदा आ जाएगा। अरे मैडम जी मेरे को लगता है कि उसका बंदा उसको बचाने के लिए भाग गया है, क्या ही बोलूं। अरे तुम्हारे पास कोई नहीं क्या? कोई नहीं तो मुझे बचा लो ना। अरे मैडम जी फिकर नॉट, अपुन है ना, अपुन आपको अभी जिंदा करेगा मैडम जी, अपुन के पास बहुत सारा टोकन वोकन है मैडम जी। मैं यहीं पे उतर जी हूँ, कोई बंदा तो नहीं है ना? अरे फिकर नॉट मैडम जी, अपना ससुराल समझ कर जहाँ खुशी वहीं पे उतर जाओ। अरे मैडम जी ऐसे ना हंसा करो, कुछ कुछ होता है। अच्छा चलिए मैडम जी यहाँ से जल्दी से अपन दोनों निकल जाते हैं और किसी कोपचे में जाकर दोनों प्यार भरी बातें करेंगे और थोड़ा सा सरवाइव भी कर लेंगे। हट बड़वा। A few moments later. अरे अभी भी तुम उधर क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, उधर कोई रिवाइव कर रहा है। अरे मैडम जी मैं तो उधर थोड़ा सा सरवाइव कर रहा था, लूट रहा था, और लूटते लूटते मैडम जी मेरे को एक छुचला वाला गन भी मिल गया। मैडम जी क्या ही बोलूं? तुम पूरे दिन लूटते ही रहे ना नुबरा कहीं का। गजब बेइज्जती है। मैडम जी आप ऐसे मेरे को क्यों डांट रही हो? मैडम जी आप गाड़ी लेके जा रहे हो क्या? अरे यार इसने वॉल लगा दिया वरना गाड़ी से उड़ा देती इसको। कुछ भी। मैडम जी आप सलमान भाई का छोटा बहन है क्या जो गाड़ी से उड़ा दोगी सबको? मैं आ जाऊँ क्या? अपनी पर। अरे रे रे, ये तो मुझे मार गए साले, तू मुझे मारेगा रुक। अबे यार एक ही गोली का बचा था, तुझे बोलता हूँ मेरे साथ रहने के लिए, नुबरा साला रहता भी नहीं है। लानत है तुम लोग पे, लानत। मैडम जी आप मेरे को डांट रही हो क्या? मैडम जी रुको, नल्ले मेरे मैडम जी को मारेगा। अबे इतना दूर से क्या ही हेडशॉट मारा तूने? मैडम जी आपने मेरे को नुबरा बोला इसलिए मैंने गुस्से में आके उसका खोपड़ी खोला। तू सच बता तूने इतनी दूर से मारा कैसे हेडशॉट बिना स्कोप खोले? मैडम जी आपने मेरे को नुबरा बोला इसलिए मैंने गुस्से में आके गोली चलाया तो उसका खोपड़ी उड़ गया। मैडम जी क्या ही बोलूं? रुको मैडम जी आपको मैं बचा लेता हूँ, इस बार मैडम जी आपको मैं शक्तिमान स्टाइल में बचाऊंगा, आप देखना। क्या कैसे बचाएगा तू? मैडम जी मैं शक्तिमान स्टाइल में बचाऊंगा, आपको देख लेना आप। मैडम जी मैंने आपको फिर से बचा लिया। तो कौन सा तीर मारा?
मेरे लूट से कुछ लूटा तो नहीं ना तूने? मैडम जी अपन किसी का लूट नहीं लूटता मैडम जी, और आप तो भूल ही गई मैंने अपना 2 लेवल का भेस्ट आपको खोल के दे दिया था मिल से आते टाइम, सब भूल जाती हैं आप। हाँ हाँ चल ठीक है, रुक किधर जा रहे हैं, मैं गाड़ी लेके आती हूँ। A few moments later. मैडम जी आपका गाड़ी का कलर क्या ही चमकीला रंगीला है मैडम जी, क्या ही बोलूं, मेरे में मैडम जी कुछ भी ऐसा स्किन नहीं है जिसमें मैडम जी चमकता फमकता है मैडम जी, क्या ही बोलूं। अभी सामने बंदा जा रहा है देख, इस साले को तो गाड़ी से उड़ाऊंगी। हाँ मैडम जी इस नल्ले को गाड़ी से ही कुचल दो, रुक नल्ले मेरा मैडम जी अभी तेरे को मारेगा देख। छोटी बच्ची हो क्या? अभी आजा आजा इसने मुझे हेड मार दिया, जल्दी आजा। अरे मैडम जी आप मेरे को बार बार अकेले छोड़ के क्यों चली जा रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता आपके बिना। अभी ये अच्छा बंदा है, अभी तेरे को जब मारेगा तेरे को भी समझ आएगा। अभी तू तेरा हर एक गोली हेड पे कैसे जा रहा है? मैडम जी मेरे को क्या पता, मैं तो ऐसे ही गोली चला रहा हूँ तो सबका खोपड़ी में जाके लग रहा है। जादूगर है क्या ही बोलूं, लगता है मैडम जी जिंदगी में पहली बार मैं किसी लड़की के साथ खेल रहा हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ में सुपर पावर आ गया है। तू झूठ मत बोल, तू सच बता, तूने कोई हेडसेट हैक तो नहीं लगाया ना? नहीं मैं नायक नहीं, कल नायक हूँ मैं। अरे मेरे कोई पीछे से मेरा पिछवाड़ा मार रहा है मैडम जी, और आप मेरे को हैक हैक बोल रही हो। ऐसा करेगा तो तेरा हर एक गोली कैसे हेड पे जा रही है, सच बता तू। मैडम जी आप रो रही हो क्या? मैडम जी मैं सच बताता हूँ, मेरा हेलमेट की कसम मैंने कोई हैक पैक यूज नहीं किया है मैडम जी। नल्ले रुक तू ही बता मेरे मैडम जी को मैंने कोई हैक पैक यूज किया है कि नहीं। उसको कैसे पता चलेगा कि तूने हैक यूज किया है कि नहीं? गुड क्वेश्चन। मैडम जी उसको नहीं पता चलेगा, ये बात भी सही बोला आपने। रुके मैडम जी इस नल्ले को मारूंगा मैं, एटम बम से वन टैप दूंगा देखना आप। ये मेरा बहुत पुराना रेयर आईडी, अगर ये आईडी को कुछ हुआ ना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मगर क्यों? ये देख ये फिर से हेड लग रही कैसे तेरा? अरे अरे मैडम जी मैंने उसको उड़ा दिया। अरे मैडम जी आप बार बार मेरे को हैकर क्यों बोल रही हो, अब पागल हो क्या? अगर मैं हैकर होता तो उसका हर एक गोली खोपड़ी में ही लगता, एक भी बॉडी शॉट नहीं लगता। मैडम जी इतना भी अकल नहीं है क्या आपको? सबको कसम खाते बोल। अरे मैडम जी मैं कसम फसम बाद में खाता हूँ, पहले मेरे को जोन से निकलने दो। A few moments later. देख तूने अभी तक कसम नहीं खाया, तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे तू। जानू तुम्हारी कसम मैंने कोई भी हैक पैक यूज नहीं किया। अरे अरे जानू देखा तुम्हारा कसम के चक्कर में अभी मैं ससुराल चला जाता बिना टिकट के। जानू किसको बोला रे तू? मैडम जी आपका नाम जानू है तो जानू नहीं बोलू क्या? क्या बोलू मैं आपको, तब आप ही बोलो। अच्छा अच्छा चल ठीक है। मैडम जी आप मेरे को खाम का डरती हो। अभी यहाँ बहुत सारे बंदे हैं, तुम निकल जाओ। अरे चलो फिर से हेडशॉट मार दिया। अपनी पोले 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 अपनी अन्नारा। अब बस साले यहाँ मेरे दिल धक धक कर रहे हो और तू गाना गा रहा है, तुझे मजा आ रहा है? सॉरी 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 मैडम जी बहुत मजा आ रहा है। तू मेरा जानू है मैं तेरा दीवाना। फिर से हेडशॉट, साले तू हैकर है अभी मैं समझी, इसीलिए तू एडम लेके खेल रहा है। मैडम जी आप मेरे को गलत समझ रही हो, मेरे पास कोई भी कैरेक्टर फैरेक्टर नहीं है मैडम जी, मैं नया प्लेयर हूँ तो मैं क्या करूँ मैडम जी, सामने बंदा। तू नया प्लेयर है तो इतना हेड कैसे मार रहे, तू बता मेरे को। मैं नहीं बताऊंगा। रुको मैडम जी इस नल्लो को पहले एटम बम से उड़ाने दो, उसके बाद आपको सब बताता हूँ। मैडम जी डैमेज है डैमेज है। तुम 25 लेवल का बंदा हो तो इतना छोटा सा चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैडम जी मैं आपको बाद में समझाता हूँ, एक नल्ला उसका पार्टनर को छोड़ के भाग रहा है, नल्ले तो मेरे आंखों के सामने से बचेगा नहीं। नहीं तुम मुझे अभी बताओ, मुझे अभी जानना है तुम इतना अच्छा कैसे खेल रहे हो। रुक तेरे को बताते। मैडम जी दुख की बात क्या है बोलो, मेरे साथ कोई नहीं खेलता इसलिए मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में मैडम जी प्रैक्टिस करता तो नल्ले तू उधर चल के बच जाएगा सोच रहा है क्या? मैडम जी उड़ा दिया मैंने उसको। अच्छा तुम अगर हैक यूज नहीं करते हो तो तुम एडम लेके क्यों खेल रहे हो? मैडम जी मेरा 25 लेवल है, मेरे पास कोई भी कैरेक्टर पैरेक्टर नहीं है तो मैं क्या करूं, बोली आप ही बोली। अगर मैं किसी को कैरेक्टर गिफ्ट करने के लिए बोलता हूं तो सब बोलता है बेटा तेरा कैरेक्टर ही ढीला है, तू कैरेक्टर लेके क्या करेगा? नहीं अच्छा ठीक है रो मत, जोन आ रहा है जल्दी जोन पे चले जाओ। ठीक है मैडम जी। A few moments later. मैडम जी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिला लो, मेरा मतलब हिल कर लूँ क्या?
प्यारी समझ गई। मैडम जब हंस कुरैया डाल ले तो मेरा मैडम जी का हंसी भी नहीं देख सकता क्या? अरे देख के तू आराम से बोल। अरे मैं कुछ पागल हो जाऊंगी। क्यों मैडम जी, आप क्यों पागल हो जाओगी? तुम्हें कैसे पता मेरे अंदर कितना टेंशन हो रहा है? अरे मैडम जी, टेंशन लेने का नहीं, सिर्फ देने का और बोलने का। मैडम जी, ले झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं कसम से बोल रही हूँ, अगर मेरा आईडी बैन हुआ ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ मैडम जी, मेरे को मार दो, मैं ऐसे भी जीना नहीं चाहता आपके बिना। अगर जीना है तो सिर्फ आपके साथ जीऊंगा, नहीं तो नहीं जीना मेरे को। अबे साले, अबे जोन पे चला जा फालतू बातें ना करके। A few moments later. मैडम जी, आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं क्या आपसे? मतलब आपका आवाज जितना प्यारी सी है ना, कोयल जैसी, आप कहाँ से हो? सब जानना है इस बड़वे को। मैं असम से हूँ। अरे तुम ऊपर क्यों जा रहे हो? उन लोगों को जोन में आने दो ना। अरे नहीं नहीं मैडम जी, उन लोगों के पास जाके लेना पड़ेगा फाइट। मैडम जी, उन लोगों के पास जाके लेना पड़ेगा फाइट, नहीं तो वो लोग आके कर देगा मेरा पिछवाड़ा टाइट। ऐसे नहीं, क्या बोल रहे हो? अरे मैडम जी, बहुत देर बाद आपके मुँह से थोड़ा सा हंसी देखने के लिए मिला। अरे सामने बंदा। अरे अरे मैडम जी, लगता है मेरे को ये अच्छा बंदा है। मैडम जी मैं क्या करूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैडम जी, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ, सिर्फ आप एक बार मेरे ग्रुप में आ जाना, नहीं तो आपका सच में आईडी हो जाएगा बैन। तो मेरे मामू लोग, क्या ही जबरदस्त मैच था। मतलब लड़की मेरे को बार बार हैकर बोल रही थी, वो समझी कि मैं हैकर ही हूँ शायद। मतलब भाई लिटरली बताता हूँ, आज तक इतना घमासान मैच नहीं हुआ। ब्लू क्रिमिनल भी आया और क्या ही खतरनाक ऑन टैप भी लग रहा था। तो गाइज, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज यार गाइज, ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, क्योंकि सिर्फ तुम्हारा मामू तुम लोगों को हंसाने के लिए विदाउट गन स्किन विदाउट कैरेक्टर स्किल लेके खेलता है। तो प्लीज यार इतना सा कर देना प्लीज भाई, मैं भाई समझ के बोल रहा हूँ दोस्तों। तो चलो गाइस, अभी जानू को बुलाएंगे और देखेंगे उसका रिएक्शन। ओ भाई सब, जानू रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो चलो गाइस। जय हिंद दोस्तों। नमस्ते मैडम जी, कैसन बा? अरे तुम सच बताओ ना, तुमने हैक तो नहीं लगाया ना? मेरा आईडी बैन तो नहीं होगा ना? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अरे मैडम जी, अगर आपका आईडी बैन भी हो गया ना, तो आप मेरा आईडी ले लेना मैडम जी, मैं आपको अपना आईडी दे दूंगा। अपन नूब हो सकता है मैडम जी, लेकिन अपन का दिल बहुत बड़ा है। अच्छा, तुम्हारा ये 25 लेवल वाला नूब आईडी लेके मैं क्या करूँ? मेरा ये 69 लेवल का आईडी है। ठीक है मैडम जी, आपका मन, मैंने तो आपको देना चाहा, आपको लेना है तो आप ले सकते हो मैडम जी, लेकिन मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट तो ले लो आप। अरे बोलो ना यार, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है अपने आईडी को लेके। तुमने हैक तो यूज नहीं किया ना? मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा मैडम जी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आपको एक जादू दिखाता हूँ मैडम जी, रुको एक मिनट सिर्फ। नहीं मुझे कोई जादू वादू नहीं देखना, तुम मुझे पहले बोलो। रुको जरा, सबर करो। अरे रुको ना मैडम जी, जादू तेरी नजर, अभी दिखाता हूँ मैडम जी। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे मैडम जी, यही वाला आईडी तो आपको देना चाहता था मैं, लेकिन आपने तो मना कर दिया, मैं क्या ही कर सकता हूँ मैडम जी। अरे ये तुम्हारा आईडी क्या, ये कहाँ से मिला तुमको? अरे मैडम जी, कल रात को मेरे आईडी में 29 रुपया का एक एयर ड्रॉप आया, उसमें मैडम जी ये वाला बंडल और मैडम जी 300 डायमंड भी साथ में मिला। चुतिया समझा मेरे को? चुतिया समझा क्या? ये हिप्पो वाला बंडल कभी एयरड्रॉप में नहीं आते, मुझे ज्यादा मत सिखाओ, सच बताओ कहाँ से मिला ये? अरे अरे मैडम जी, मेरे को लगता है आप तो हाई टेंशन में आ गई। मैडम जी, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। दरअसल मैडम जी, मैं आपके साथ अभी तक मजाक ही कर रहा था, मैं एक यूट्यूबर हूँ, इसलिए मैं मैडम जी ऐसे नूब बनके लोगों के साथ प्रैंक वगैरह करता रहता हूँ वॉइस चैट में या फिर रैंडम में जाके। तो मैं अभी तक आपके साथ मजाक ही कर रहा था। अरे तुम सच में यूट्यूबर हो क्या? नहीं। अरे मैडम जी, सच में यूट्यूबर हूँ मैं, कोई हैकर वैकर नहीं हूँ। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप राहुल गेमिंग यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको वहाँ पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल मिल जाएगा, आप देख के आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप एक काम करना, उसमें से कोई भी एक वीडियो को चला के देख लेना, आपको मेरा वॉइस से मैच करता है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। रुको रुको, मैं अभी चेक करके आई, तुम भाग मत जाना। अरे तू जा रही? अरे नहीं नहीं मैडम जी, मैं कहीं नहीं जाने वाला, आप चेक करके आराम से। One minute later. अरे हाँ तुम वही हो,
इस जो सबके साथ एडम लेके खेलता है, मैंने तुम्हारे वीडियो में देखा होगी। हाँ मैडम जी, मैं वही हूँ, मैं कोई हैकर वैकर नहीं हूँ। और मैडम जी हाँ, अगर आपको मेरा कोई भी बात का बुरा लगा हो ना, तो दिल से सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मामू लोगों को हंसाने के लिए मैं कुछ भी बोलता रहता हूँ। तो अगर आपका परमिशन हो तो क्या मैडम जी ये वाला वीडियो मैं अपना चैनल में छोड़ सकता हूँ? प्लीज़ मैडम जी, ना मत बोलना, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, प्लीज़। रिकॉर्डिंग भी कर रही थी क्या? हाँ मैडम जी, रिकॉर्डिंग भी चल रहा था, क्योंकि जब भी मैं गेम खेलता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग ऑन ही रहता है। ठीक है, छोड़ देना और मुझे फ्रेंड लिस्ट में ले लेना प्लीज। क्यों नहीं? ठीक है मैडम जी, आप रिक्वेस्ट सेंड कर दो, मैं उठा लेता हूँ। और मैडम जी, ये हिपहॉप वाला आईडी नहीं चाहिए क्या? मैं आपको दे दूंगा। चल झूठा, अभी भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अरे मैडम जी, थोड़ा बहुत कर लेते। ठीक है मैडम जी, तो फिर मिलेंगे, चलते अभी।